हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूप एंटीना के बारे में। हम इस वीडियो में लूप एंटीना की टाइप्स के बारे में भी जानेंगे और साथ ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लूप एंटीना से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटीना क्या होता है। एंटीना एक प्रकार का एक ट्रांसड्यूसर है जो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। जो एंटीना होता है वह सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीविंग भी कर सकता है। तो चलिए अब हम लूप एंटीना देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि करंट कैरिंग कॉइल। जो लूप एंटीना होता है वह एक सर्कुलर लूप में होता है, वह एक कॉइल के रूप में होता है। आप इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट कैरिंग कॉइल भी कह सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लूप एंटीना में वह परपेंडिकुलर होगी करंट के। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है फ्रीक्वेंसी रेंज। लूप एंटीना की फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। अब हम अंतिम पॉइंट जान लेते हैं लूप एंटीने का, जो है शेप्स ऑफ लूप एंटीना। हम सभी को पता है कि लूप एंटीना एक कॉइल के रूप में होता है। लूप एंटीना की शेप स्क्वायर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। लूप एंटीना की शेप ट्रायंगुलर भी हो सकती है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। अभी आप लूप एंटीना की शेप्स देख सकते हो कि यह एक कॉइल के रूप में है। आप सर्कुलर लूप का शेप भी देख सकते हो और साथ ही स्क्वायर लूप का भी शेप देख सकते हो। तो यह थी हमारी कुछ शेप्स लूप एंटीना की। तो चलिए अब हम लूप एंटीना की टाइप्स के ऊपर नजर डालते हैं। लूप एंटीना की दो टाइप्स होती हैं। एक है लार्ज लूप एंटीना और दूसरा है स्मॉल लूप एंटीना। स्मॉल लूप एंटीना और लार्ज लूप एंटीना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। तो चलिए सबसे पहले हम लार्ज लूप एंटीना के बारे में जानते हैं। लार्ज लूप एंटीना में सबसे पहला पॉइंट यह है कि रेजोनेंट एंटीना। जो लार्ज लूप एंटीना होता है उसे रेजोनेंट एंटीना भी कहते हैं। कई एंटीना रेजोनेंट होते हैं और कई एंटीना नॉन रेजोनेंट होते हैं। रेजोनेंट एंटीना की एक एग्जांपल है डाइपोल एंटीना। जो रेजोनेंट एंटीनास होते हैं वह एक तरह के ट्रांसमिशन लाइंस के रूप में होते हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हाई रेडिएशन एफिशिएंसी। जो लार्ज लूप एंटीना होते हैं उसकी रेडिएशन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एक बात आप हमेशा ही याद रखिए लार्ज लूप एंटीना के बारे में कि यह इसकी जो लेंथ होगी वह हमेशा वेवलेंथ के बराबर होगी, यानी कि एल इज इक्वल टू लेमडा। अब हम स्मॉल लूप एंटीना के बारे में जानते हैं। स्मॉल लूप एंटीना में हमारा सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक एंटीना।
स्मॉल लूप एंटीना को हम मैग्नेटिक लूप एंटीना भी कहते हैं, क्योंकि यह लेस रेजोनेंट होता है। लार्ज लूप एंटीना जो थे वह रेजोनेंट एंटीना थे, जो स्मॉल लूप एंटीना है वह मैग्नेटिक लूप एंटीना है। जो हमारे स्मॉल लूप एंटीना होते हैं उनको हम रिसीवर के तौर पर भी यूज करते हैं। हमने अपना दूसरा पॉइंट पहले से ही क्लियर कर लिया है कि लूप एंटीना लेस रेजोनेंट होते हैं। तो चलिए अब हम अपने अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है लो एफिशिएंसी। जो हमारे स्मॉल लूप एंटीनाज होते हैं उनकी लो रेडिएशन एफिशिएंसी होती है। लो रेडिएशन एफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ जाते हैं। हाई लॉसेस की वजह से ही इसकी लो रेडिएशन एफिशिएंसी होती है। जो हमारे स्मॉल लूप एंटीनाज होते हैं उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और उनकी शेप भी काफ़ी ज़्यादा कम ही होती है। स्मॉल लूप एंटीनाज काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी होते हैं। इसमें आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो इसकी लेंथ होगी वह लेमडा बाई 10 के बराबर होगी, यानी कि L इज इक्वल टू लेमडा बाई 10। अभी हमने स्मॉल लूप एंटीना और लार्ज लूप एंटीना के बारे में अभी हम जान चुके हैं। अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। जो लार्ज लूप एंटीना थे उसे रेजोनेंट एंटीना कहते थे, जो स्मॉल लूप एंटीना है उसे मैग्नेटिक एंटीना कहते हैं। लार्ज लूप एंटीना में हाई रेडिएशन एफिशिएंसी होती है और स्मॉल लूप एंटीना में लो एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं आपको रेडिएशन पैटर्न दिखाता हूँ लूप एंटीने का। जो हमारे एंटीनाज होते हैं उनकी अलग अलग रेडिएशंस पैटर्न होते हैं। कई पैटर्न बिल्कुल सेम होते हैं और कई पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। रेडिएशन पैटर्न होता है कि जो हमारा एंटीना है वह किस प्रकार से रेडिएशंस को इमिट करेगा। रेडिएशन पैटर्न को हम एंटीना पैटर्न भी कहते हैं। अभी हम लूप एंटीने का रेडिएशन पैटर्न देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया एक प्रकार का लूप। अब जो हमारा लूप एंटीना है वह इस प्रकार से अपनी रेडिएशंस को इमिट करेगा। जो लूप एंटीने का रेडिएशन पैटर्न है वह काफ़ी ज़्यादा सेम है शॉर्ट डाइपोल एंटीना से। तो चलिए अब हम लूप एंटीना के एडवांटेजेस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लूप एंटीना में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कॉम्पैक्ट इन साइज। जो लूप एंटीने का साइज है वह काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसे आप कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। अभी हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि हाई डायरेक्टिविटी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायरेक्टिविटी क्या होती है। जो एंटीने की डायरेक्टिविटी होती है वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन में। जो हमारा एंटीना है जो उसका रेडिएशन पैटर्न है वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में उसकी डायरेक्टिविटी हमेशा ही हाई होगी। जो डायरेक्टिविटी होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है एक एंटीना में। तो डायरेक्टिविटी को हमेशा से ही कंसीडर किया जाता है एंटीना में। तो चलिए अब हम कुछ डिसएडवांटेज के ऊपर नज़र डाल लेते हैं लूप एंटीना के।
डिसएडवांटेजेस ऑफ लूप एंटीना में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इम्पीडेंस मैचिंग इज नॉट गुड। इम्पीडेंस मैचिंग लूप एंटीना में गुड नहीं है। इम्पीडेंस मैचिंग भी वन ऑफ द मेन पैरामीटर है एंटीने का। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाई रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर। लूप एंटीना में रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो स्मॉल लूप एंटीना था उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। उसको हम रिसीविंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अंडर लो फ्रिक्वेंसी में। तो अभी हमने इस वीडियो में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी नज़र डाल ली है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में आप नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।